हेलो गाइस, आज की वीडियो में लाया हूँ 5 सबसे ईमानदार रेसलर जो WWE में है, जिन्होंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। और दोस्तों, कुछ रेसलर्स बेईमानी करके जीत जाते हैं, जो मैं आज आपको रेसलर बताऊंगा, इन्होंने आज तक अपने करियर में कभी बेईमानी नहीं की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आप गाइस आपने सपोर्ट करा तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, नंबर 5 है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और दोस्तों, ये भी बहुत जाने माने रेसलर थे, लेकिन ये भी इनकी हम किस्मत खराब ही कहेंगे, क्योंकि ये WWE में ज़्यादा नहीं रुके और इन्होंने WWE को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, बहुत ही जाने माने रेसलर थे। दोस्तों, नंबर 4 पे है शॉन माइकल। दोस्तों, ये भी बहुत ही जब मैं पैदा भी नहीं होता जब के रेसलर है, ये बहुत पुराने रेसलर है और ये इन्होंने अंडरटेकर को कई बार हरा भी दिया है। और दोस्तों, इनके फैंस भी बहुत थे, लेकिन ये भी इनकी भी हम किस्मत ख़राब ही कहेंगे, क्योंकि ये भी WWE में ज़्यादा नहीं रुके, इन्होंने भी WWE को जल्द ही अलविदा कह दिया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है द अंडरटेकर। दोस्तों, अंडरटेकर को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, अंडरटेकर को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, डेड मैन। दोस्तों, अंडरटेकर को डेड मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। इन्होंने WWE में बहुत नाम कमाया और दोस्तों, ये भी बहुत जाने माने रेसलर थे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये भी ज़्यादा WWE में नहीं रुके, इन्होंने भी WWE को रिज़ाइन दे दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे आप सबके जाने माने रोमन रेंस। दोस्तों, रोमन रेंस भी बहुत ईमानदार है, इन्होंने आज तक जहाँ तक मुझे ध्यान है आज तक इन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। और इन्हें दोस्तों बिग डॉग के नाम से भी कहा जाता है। और दोस्तों, रोमन रेंस के WWE में फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने भी WWE में बहुत नाम बनाकर रखा है। पहले नंबर पे जो आता है आप सब जानते होंगे, जी हाँ, जॉन सीना। जॉन सीना ने आज तक अपने करियर में कभी भी बेईमानी नहीं की है और मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा मैच भी इन्होंने ही जीते हैं। और दोस्तों, ये थे पूरे WWE के नंबर 1 सबसे ईमानदार प्लेयर, इन्होंने अपने करियर में कभी बेईमानी नहीं की। और ये नंबर 1 रेसलर पे आते हैं जो ईमानदारी में हैं, इन्होंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट करा तो मैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों, WWE के बारे में लाता रहूँगा।